ऐसी दीवानगी। अच्छा है तुम यही हो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उससे पहले मुझे कुछ कहना है। अब तक जो हुआ वो हुआ और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए बेहतर होगा कि हम आपस में बात ना करें। हम एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी हैं। आज आप सब लोगों के लिए सरप्राइज छे सरप्राइज। और पता, जब आपको सरप्राइज मालूम चलेगा तो आप क्या बोलोगे? क्या कि अब क्यों बुला रहा है, पहले क्यों नहीं बुलाया? आप सभी हमारे ट्रस्टी धर्म सिंह राठौर जी के घर जा रहे हैं। और हाँ तेजस्वी ने, ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। वादा कर, अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। मुझे बारिश की खुशबू बहुत बहुत पसंद है। मुझे भी बारिश। मैंने कहा था ना, आज बारिश होगी। अब और मेरे पीछे पीछे रहेगा असिस्टेंट जीएस बन के, पर मैं उसे इतना काम दे दूंगी कि ये काम करने का जोश 2 दिन में उतर जाएगा। क्या करना है बताओ? सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो और एटीएम में लेकर जाओ। वहाँ पर ब्लड कैंप लगा है, वहीं ब्लड डोनेट होगा। तेरे बैनर्स और ये पैम्फलेट्स। जी। एक बार भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। उड़ने दो, उड़ने दो। डोनेट ब्लड। हाँ क्या करना है बताओ? तुम लेट हो। हाँ, पर अब मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर दूंगा। बताओ क्या करना है? असिस्टेंट हो ना, तो जाओ सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो और एटीएम में लेकर जाओ। वहाँ पर ब्लड कैंप लगा है, वहीं ब्लड डोनेट होगा। और ये कुछ बैनर्स है, इन सबको जगह जगह लगाना है, कहीं पर भी ये छूटे नहीं। और ये सारे पैम्फलेट्स हर क्लास में बांटना है तुम्हें। एंड मेक श्योर वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह की कोई कमी ना हो। पाओगे ना? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, ये ब्लड ग्रुप तो बहुत कम लोगों का होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए शायद आपको हमारे कॉलेज से नहीं मिला। आपसे जितना हो सकता था उतना आपने किया। You did your best. Don't worry. डॉक्टर साहब, आप बाकी का डोनेशन मुझसे ले लीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप भी एबी नेगेटिव ही है। मैं चाहता हूँ कि ये कैंप पूरी तरह से आपके अस्पताल के मरीजों की मदद करने में कामयाब हो। इस कैंप से जिसका नाम जुड़ा है, मैं उसे फेल नहीं होने दे सकता। तू ठीक तो है ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? इतना बड़ा फंक्शन है, एक तो रहना ही पड़ेगा। अटेंशन एवरीवन, तो क्या आप सब इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे? तो फिर हेल्प इज राज पीपला फंड रेजिंग प्रोग्राम को फंड रेजिंग प्रोग्राम बनाने का टाइम आ गया है।
कैंप में हमने खाने के स्टॉल्स लगाए हैं, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स खुद खाना बनाएंगे। तो गाइस, आर यू रेडी? याद रहे, यहाँ जितने भी स्टॉल्स हैं, उन सब में वोटिंग होगी और जिस स्टॉल को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसे हमारे चीफ गेस्ट के हाथों से ये शानदार ट्रॉफी। तालियां बजाओ। को भी अभी जाना था। गैस लीक हो रही है शायद। लाइट को भी अभी जाना था। अरे मैडम, आप गएंगी क्या? भैया, मैंने आपसे बोला था ऐसे सिलेंडर मत। भैया नहीं! ब्लास्ट हुआ है, सारे लोग बेसमेंट में जाए। तेजस्विनी कहाँ है? तेजस्विनी स्टोर रूम में, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ होगा। तो बेसमेंट में जाए, बेसमेंट में आग लगी है। प्रिंसिपल सर का फोन आया था, कह रहे थे कि तेजस्विनी ने पूरे गुजरात में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की तरफ से उसे इनाम दे रहे, और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की कामयाबी में मैं भी उसका हिस्सा बनूं। खास मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं, जो है इस कॉलेज के कर्ता धर्ता श्री धर्म सिंह राठौर जी। नागेश सेठ पिछली हार के बाद चुप बैठा है, इसका एक ही मतलब है कि वो किसी बड़े प्रहार की तलाश में है। राघो जी, अपने पहरेदारों से कहकर पहरेदारी बढ़वा दो, अब नागेश की हर वार का बदला हम देंगे उसे। मुझे यकीन है इस बार उसका वार और भी खतरनाक हो सकता है। उसके बेटे से भी सचेत रहना होगा हमें। सांप का बेटा है, सपोला ही होगा वो। लेकिन अब बस, मैं देवसु के किसी भी व्यक्ति को आज नहीं आने दूंगी। मैं सिर्फ मेरी मामा की वजह से तुमसे शादी कर रही थी, और तुम ये प्लान कर रहे थे कि शादी के बाद मैं अपना रिश्ता तोड़ दूं अपने मामा के साथ। तो तुम सबसे बड़े इडियट हो, और मैं किसी इडियट के साथ शादी नहीं कर सकती। I am done with you. आज रात से पहले जितने भी काम है ना, सब निपटा लो, क्योंकि आज रात को मैं तुम्हारे इन होठों को ना कुछ बोलने नहीं दूंगा। अगर सुबह तक मुझसे और भी ज्यादा प्यार ना हो गया ना, तो मेरा नाम शौर्य खन्ना है। नीलू, घर की बड़ी बहू इंतजार कर रही है, पूजा का भी गृह प्रवेश करो। ऐसे चाल चलन वाली लड़की के पैर हमारे बाबूजी के घर पड़े, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी। एग्जैक्टली सर। राहुल, इस कलश को यहाँ से उठा। हमारा गला दबाओगी? कैसे बात ही कर रही हो तुम उन्हें? तुम भूल रही हो कि अगर गलती से तुम हमारा गला दबाओगी तो सोचो जब हम तुम्हारे छुटके का गला दबाएंगे तो तुम कब मारोगी उसको? तुम जिंदा रहोगी तब उसको मारोगी ना? तुम्हारा गला काट देंगे। बोलो, जोर से काटेगी, धीरे से बोलो। ईशा तो आज मरेगी ही, और उसके साथ साथ मेरा राज भी। लेकिन जानवी, तुम्हें भी इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा।
रानी स्टेचू।